हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट फालूदा, जो सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फालूदा बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इंस्टेंट फालूदा मिक्स की। हमने यहाँ पर लिया है लिपसिप का राजभोग फ्लेवर इंस्टेंट फालूदा मिक्स, जिसकी प्राइस है 35 रुपीज़, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और हमने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। यहाँ पर हमें फालूदा बनाने के लिए सिर्फ इन दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इस इंस्टेंट फालूदा मिक्स में दो पैकेट्स आते हैं। छोटे वाले पैकेट को हम 200 ml पानी में 5 मिनट के लिए उबालेंगे और बड़े वाले पैकेट को हम दूध में मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर हमने एक बर्तन में 200 ml पानी लिया है। अगर आपके पास 200 ml का मेजरमेंट ना हो तो आप इसमें 1.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें छोटे पैकेट को डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको उबलने देंगे। जब तक हमारा ये मिश्रण तैयार होता है तब तक हम दूसरे बर्तन में दूध लेंगे और उसमें बड़े वाले पैकेट को डाल देंगे और इसको लगातार हिलाते हुए पकाते रहेंगे। हमारा जो पानी वाला मिश्रण है वो उबल चुका है। अब हम इसको दूध वाले मिश्रण में ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर हमें इसको पकते हुए लगातार हिलाते रहना है। हमारा फालूदा पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे। हमारा फालूदा ठंडा हो चुका है। हमने इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब वक्त है इसे गार्निश करने का। इसके लिए हमने यहाँ पर आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पर आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है। तो लीजिए, बन के बिल्कुल तैयार है हमारा लजीज और क्रीमी फालूदा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।